आज के इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे आप स्नैपसीड ऐप का यूज करके अपनी फोटो में स्काई को कैसे चेंज कर सकते हो। बहुत सारे लोग कमेंट करके हमसे पूछते रहते हैं एंड हालांकि इसके ऊपर हमने कभी कोई प्रॉपर वीडियो बनाया नहीं, सो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये चीजें सिखा ही देनी चाहिए। सो फाइनली गाइज इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो में हमने आपको सिखाया किस तरीके से आप स्काई को चेंज कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइज लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड गाइस गैलरी के अंदर से हमने इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। इस फोटो को यहाँ सेंड पे क्लिक करेंगे एंड ओपन कर लेंगे हम स्नैपसीड ऐप के अंदर। तो भाई देखो फोटो को हमने स्नैपसीड ऐप के अंदर ओपन कर लिया। स्नैपसीड ऐप के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको टूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ आपको जाना है ट्यून इमेज के अंदर एंड यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको वाइब्रेंस थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, यहाँ आपको हाइलाइट्स इतना ही रहने देना है, शैडोज को थोड़ा सा जो है बढ़ा लेना है एंड बस इतना ही कुछ। देन यहाँ पे इसको डन कर लेना है। अब गाइज यहाँ से आपको जाना है टूल्स में, यहाँ से गाइज आपको जाना है यहाँ से डबल एक्सपोजर के अंदर। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ आपको एक ऐड फोटो का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आपको एक स्काई का जो है मतलब बैकग्राउंड जो है ऐड कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं। तो गाइज आप देख पा रहे हो कि हमने यहाँ से स्काई को ऐड कर लिया। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी वगैरह चेक कर सकते हो, तो जितना आपको रखना है आप वहां पे उसको उतना ही मतलब आपको रहने देना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा घास वगैरह दिख रहा है तो हम स्काई को लगभग इतना ऊपर तक रखेंगे। ठीक है, इतना रखेंगे ताकि ये पूरा अच्छे तरीके से मैच कर जाए। ठीक है, तो इतना हम इसको रख लेंगे, थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी लगभग हम इतना रखेंगे, देन इसको यहाँ से डन करेंगे। ओके, अभी गाइज आप देख पा रहे हो कि फेस भी दिख रहा है, मतलब मॉडल भी दिख ही रहा है एंड स्काई भी दिख रहा है। अब यहाँ से आपको अंडो वाले बटन पर क्लिक करना है, व्यू एडिट्स पर क्लिक करना है, यहाँ से डबल एक्सपोजर पे देना है, यहाँ से आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना है। ओके, देन गाइज यहाँ से इसकी अप एरो को आपको 100 कर लेना है एंड फोटो को जूम करना है एंड कुछ इस तरीके से आपको पूरे जो है बैकग्राउंड पे इसको चला देना है। ठीक है, जैसे आप चलाओगे आप देख पा रहे हो कि आपका जो है स्काई चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा बैकग्राउंड पे इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी से कर लेते हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे एंड आप जल्दी से ही सीख पाओ। ठीक है, तो पूरा बैकग्राउंड पे आपको ऐसे ऐसे अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। एंड भाई अभी आप देख पा रहे हो कि हमने बैकग्राउंड तो रिप्लेस कर दिया लेकिन अभी ये पूरा क्लियरली मतलब विजिबल नहीं है। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसकी ओपेसिटी जो है कम किया है हमने, तो ओपेसिटी को बढ़ाने के लिए सिंपल से यहाँ से डन करेंगे, देन यहाँ से जाएंगे, यहाँ से आपको एडजस्ट में जाना है, यहाँ से इसकी ओपेसिटी आपको पूरा फुल कर लेना है। ठीक है, फुल कर लोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी कहाँ कहाँ पर चला है कहाँ पर नहीं चला है। तो अभी यहाँ से हम दोबारा से एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से आई को ऑन करके देख लेंगे। देखो जैसे कि यहाँ यहाँ पे इसका इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे भी हम इसको चला देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है जिसमें आपको 100% मतलब अच्छे से दिख जाएगा, पूरा विजिबल है कि कहाँ कहाँ पे चलाना है कहाँ पे नहीं चला है। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा जल्दी जल्दी से फील कर लेते हैं, देन आपसे मिलते हैं। गाइज इतना काम आपको कर लेना है एंड थोड़ा थोड़ा सा अगर कहीं पे रह जाए तो उतना मतलब नोटिस नहीं करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे मतलब जैसे कि हमको चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत अगर इधर उधर रह भी जाता है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो आपको ध्यान से करना है, मतलब देखो अपना 100% आपको देना है, जितना आपसे अच्छे से हो पाए उतना आपको करना है। अगर थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो उतना आपको केयर नहीं करना है, देखो वो कैसे फुलफिल हो जाएगा। जैसे आप आई को ऑफ करोगे आप देख पा रहे हो थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि बैकग्राउंड में कहीं किसी जगह पे भी है, छूटा छूटा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा व्हाइट लग रहा है तो हम यहाँ पे इसको चला देंगे, देन ये जो है परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो इतना काम गाइज आपको कर लेना है, देन यहाँ से इसको डन कर लेना है। ओके, जैसे आप डन करोगे अभी देखोगे बिफोर आफ्टर,
मतलब बैकग्राउंड में पूरा स्काई जो है रिप्लेस हो गया। अब गाइज आपको टूल्स पे क्लिक करना है, यहाँ आपको सिलेक्टिव पे क्लिक करना है। इस तरीके से गाइज आपको अपने फेस को सिलेक्ट करना है, यहाँ ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे एंड सेचुरेशन को कम कर लेंगे। ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ा सा जो है लगभग इतना रखेंगे एंड स्ट्रक्चर को भी कम कर लेंगे एंड यहाँ पे इसको डन कर लेंगे। अभी फोटो बिफोर आफ्टर, फोटो गाइज बहुत मस्त यहाँ पे एडिट हो गया। यहाँ टूल्स में जाएंगे, डिटेल्स में जाएंगे, थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चर को बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा शार्पनिंग को। ओके, एंड इस फोटो को गाइज यहाँ से अब हम शेयर पे क्लिक कर देंगे एंड इस फोटो को अभी हम ओपन कर लेंगे लाइटरूम ऐप के अंदर। तो गाइज यहाँ से हम फोटो को ऐड टू एलआर कर देंगे, देन ये फोटो जो है हमारी लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड हो गई। लाइटरूम ऐप के अंदर आने के बाद आपको ऑल फोटोज पे क्लिक करना है, आपकी ये रही फोटो आपको ओपन कर लेना है। थोड़ा सा जो है गाइज यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेंगे, जैसे आपको यहाँ ऑटो पे क्लिक कर लेना है, ये आपके लाइट के एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक ही कर देगा। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे बढ़ा लेंगे, यहाँ लगभग इतना सही है। अब कलर वाले टैब के अंदर जाएंगे, यहाँ वाइब्रेंस को आपको बढ़ा लेना है एंड यहाँ मिक्स टूल के अंदर चलना है। यहाँ से गाइज आपको रेड का सेचुरेशन कम करना है, वैसे यहाँ ऑरेंज का भी सेचुरेशन आपको लगभग इतना कम कर लेना है। यहाँ पे गाइज आपको लुमिनेंस को बढ़ा लेना है। अभी गाइज आप देख पा रहे हो बिफोर आफ्टर, आपके फेस में मतलब एक अलग ही साइन आ गया। यहाँ थोड़ा सा ह्यू को बढ़ा लेंगे, वैसे यहाँ पे ब्लू का जैसे देख पा रहे हो ब्लू कलर का बादल है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्काई है तो थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा लेंगे, वैसे इसका भी सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अभी ब्लू का ह्यू थोड़ा सा जो है कम करेंगे, लगभग माइनस साइड रखेंगे एंड इतना बिल्कुल ही सही लग रहा है। अभी आ गया ग्रीन का भारी, तो ग्रीन का यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, ह्यू को आगे की तरफ रखेंगे। ठीक है, ऐसे में आप देख पा रहे हो कि ग्रीन कलर का इफेक्ट जो है कितना अच्छा लग रहा है। येलो कलर को भी हम ग्रीन में कर देंगे लगभग इतना आगे की तरफ करके एंड इसका भी सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ठीक है, एंड देख पा रहे हो जितना जो मतलब जितना आपको अच्छा लगे उतना आप रख सकते हो। अगर आप पीसी ग्रीन को अगर आप येलो भी करना चाहो तो येलो कर सकते हो, मेरे ख्याल से येलो ही ज्यादा बेटर लग रहा है एंड सैचुरेशन हम इतना रखेंगे। ओके, एंड थोड़ा सा जो है टेम्प को बढ़ा लेंगे या फिर आप माइनस साइड भी रख सकते हो ताकि आपकी फोटो में एक ब्लूएस्ट टोन जो है आ सके। ठीक है, देन यहाँ जाएंगे इफेक्ट वाले टूल के अंदर, टेक्सचर बढ़ा लेंगे, विग्निट को थोड़ा सा जो है कम कर लेंगे। अब गए जाएंगे डिटेल टूल में, यहाँ पे नॉइज रिडक्शन बढ़ा लेंगे, शार्पनिंग बढ़ा लेंगे, यहाँ कलर नॉइज रिडक्शन ज्यादा आपको बढ़ाना है, डिटेल्स स्मूथनेस। अब गए जिस ऑप्टिकल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक, ऑप्टिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इन दोनों को आपको ऑन कर लेना है। अभी गए आप फाइनल देखोगे फोटो बिफोर आफ्टर, तो गाइज हमारी फोटो यहाँ पे बहुत अच्छा एडिट हो गया है, देखो मतलब बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। यहाँ से गाइज आप सिंपल से सेव टू डिवाइस कर लेंगे, ये फोटो हमारी गैलरी में सेव हो गई एंड इस बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मतलब इस स्काई का आप वहाँ से इजीली डाउनलोड करके अपनी फोटो में यूज कर सकते हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।